बीकानेर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के चलते चिकित्सा व्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीबीएम अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सकों की छुट्टियां और साप्ताहिक अवकाश रद्द कर दिए गए थे। इसके बावजूद अस्पताल के सभी वार्डों में हड़ताल का व्यापक असर दिखाई दिया। हड़ताल के कारण अस्पताल में पिछले 24 घंटों के दौरान 12 मरीजों की मृत्यु हो चुकी थी और हड़ताल समाप्त होने की संभावना से निराश मरीज निजी अस्पतालों की सेवाएं लेने के लिए बाध्य हो रहे थे। कि आपके लिए सुरक्षा पुख्ता व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन आज तक कभी हुई नहीं है। वहीं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। स्ट्राइक का तीसरा दिन है जिसमें रेगुलर रेजिडेंट्स और इन सर्विस रेजिडेंट्स स्ट्राइक पर हैं। इसके एवज में हम लोगों ने जिला प्रशासन से और सीएमएचओ ज्वाइंट डायरेक्टर से गुजारिश की थी कि कुछ मेडिकल ऑफिसर्स भेजे, जिसमें उन्होंने 31 डॉक्टर भेज दिए जिनकी विभिन्न विभागों में अलग अलग ड्यूटी लगा दी है। वो सब डॉक्टर्स अपनी अपनी ड्यूटी जिस तरह से लगाई गई है उस ड्यूटी पर कर रहे हैं। रेजिडेंट्स हैं वो 157 रेगुलर है, 69 इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, तो वो सभी स्ट्राइक पर है। जो इन सर्विस कैंडिडेट्स है उन्होंने दोबारा मास सेल के लिए अप्लाई किया हुआ है, जो भी हम लोगों ने नामंजूर किया है, पर उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। टोटल पेशेंट्स अभी तक हमारे इसमें भर्ती हैं वो 822 मरीज भर्ती हैं।